वाले ये लड़की क्यों मुसलत हुई है मुझ पे यार? सुबह देर से घर छोड़ कर आओ जी वाले। तो ये शूटर पकड़ा क्यों नहीं गया अभी तक? जख्मी तो वो भी होगा। बोले वो क्या रहा है? जाफर इलाही को गोली लगी है, हमला हुआ है, पुलिस बयान लेने नहीं आई। अब तक तो आधे शहर को हवालात के पीछे होना चाहिए था। जाफर इलाही कमजोर पड़ गया है या तुम्हारी वफादारी में कोई कमी आ गई है? नहीं बाली, ना आप कमजोर पड़े हैं और ना ही मेरी वफादारी कम हुई। पुलिस भी आई थी और हमारे आदमी शहर के तमाम बदमाशों के अड्डे पे पहुंच चुके हैं। शूटर यही कहते हैं, मगर हमला हमारे पुराने दुश्मनों ने किया है। सारी प्लानिंग तो ऐसी हुई और मैं ये जानता हूं कि इसका हिसाब आप खुद लेंगे, लेकिन पुलिस को काम पे लगाने के लिए बालिक मैंने एक नाम दे दिया है उनको। किसका नाम दिया? जयान सलीम। बहुत तंग किया था, बहुत तंग किया था आपको और छोटी मालकन को उसने। मैंने सोचा कि आपको गोली मारने वाले का सुराग तो हमने लगा ही लिया है, कुछ इसको भी सबक मिल जाए तो अच्छा होगा। बहुत बहुत हल्का ले लिया था हमें। अभी इंस्पेक्टर से मेरी बात हुई थी, कह रहा था कि उसकी हड्डियों का कच्ची उम्र बना दूंगा मैं। अब आप चाहें तो सारी जिंदगी वो जेल की सलाखों के पीछे सड़ सकता है। गलत गलत किया तुमने वाले। एक बेकसूर को सजा दिलवा रहे हो तुम। इतना कमजर्फ और कमजोर नहीं है जाफर इलाही कि अपने साथ हुई हुई ज्यादतियों की सजा वो पुलिस से उसे दिलवाए। दूसरी बात, जैन अगर हवालात में रहेगा तो मीडिया के हाथ तो एक नई स्टोरी लग जाएगी। आया का नाम आएगा, आया मेरी इज्जत है, मेरी इज्जत पे कोई हर्फ नहीं आना चाहिए। निकलवाओ से फौरन। साहब को समझना होगा, इनके बहुत अच्छे हैं। झूठ, नफरत, धोखा उन्हें अच्छा नहीं लगता।